हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माइनक्राफ्ट जावा एडिशन अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो गाइस, अगर आप माइनक्राफ्ट जावा को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन पहले से ही होना चाहिए। मैंने आप लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में पॉकेट एडिशन की भी, तो आपको सिंपल सा लिंक पर जाना है सिंपली, और फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये गाइस, ये लोडिंग हो रही है अभी, तो जैसे ये लोडिंग हो जाएगी फिर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, फिर ये वाली साइट खुल जाएगी, फिर आपको डाउनलोड दी एपीके पर क्लिक करना है, फिर ये आपके लिए डाउनलोड का साइड में ऑप्शन आएगा गाइस, जैसे कि ये है, ये देखिए आ गया गाइस, तो आपको ओके पर क्लिक करके डाउनलोड करने है। गाइस ये मेरे पे पहले से ही है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको सिंपली, मैंने आपको दूसरी लिंक दे रखी है, आपको दूसरी लिंक पर जाना है, और वो गाइस जावा लिंक, जावा की लिंक है, और गाइस ये सिर्फ 4 MB का है, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है और फिर ये आपका डाउनलोडिंग पर लग जाएगा। ये देखिए मेरा लग चुका है डाउनलोडिंग पर, वो मेरा गाइस थोड़ा नेट स्लो है तो अभी ये गड़बड़ हो रहा है, और ना ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस मेरा ये डाउनलोड होने ही वाला है जस्ट 40 सेकेंड, थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है, वरना आपका अगर नेट अच्छा होगा तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। सिर्फ 4 MB का है गाइस, तो आपको सिंपल से इसे इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और अपने माइनक्राफ्ट को इंस्टॉल कर लेना है। बस गाइस ये इंस्टॉल होने ही वाला है, थोड़ा सा रह रहा है बस 3 MB, और हो जाए बस जल्दी हो जाए यार। बस गाइस ये हो चुका है, थोड़ा सा ही रह रहा है, बहुत थोड़ा सा। आपका नेट अच्छा, नेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। गाइस ये डाउनलोड हो चुका है, तो आपको सिंपल सा इन 3 डॉट्स पे इन पर क्लिक करना है, इन पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, और फिर आपका ये सामने आ जाएगा, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है, और आपका नीचे माइनक्राफ्ट को मांगेगा, ऑप्शंस मांगेगा बहुत सारे, आपको उसमें से माइनक्राफ्ट चूज़ करना है। मैंने कहा पहले भी कर रखा है इसे, तो ये मेरा डायरेक्ट हो जा रहा है, हो गया। तो अब गाइस सिंपल सा आपको माइनक्राफ्ट का ओपन करना है आपको माइनक्राफ्ट, ऐसे थोड़ा टाइम लेता है माइनक्राफ्ट ओपन होने में। इसके लिए गाइस आपका 1 GB रैम का भी फ़ोन होना हो तो भी ये आराम से चल जाएगा, वैसे ही कोई रैम की कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस इसमें। ये अभी ओपन हो रहा है धीरे धीरे, ये देखिए गाइस ये लोडिंग चल रही है अभी, यहाँ पर बस 5 ब्लॉक्स रह गए हैं गाइस इसमें। गाइस ये हो चुका है, देखिए आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है इम्पोर्ट स्टार्टेड, अब ये फेल्ड टू इम्पोर्ट दिखाएगा, तो आपको गाइस जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे दिखेगा ग्लोबल रिसोर्सेज नाम का, गाइस ये देखिए गाइस ये ग्लोबल रिसोर्सेज नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको माई पैक्स पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ दिखेगा जावा UI अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो, फिर आपको इस पर क्लिक करने के बाद एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद जब आप एक्टिव वाले में देखेंगे तो आपका यहाँ जावा UI दिखाएगा, तो आपको सिंपल सा सेटिंग से बैक कर लेना, और ये फिर थोड़ी सी लोडिंग लेगा, देखिए गाइस अभी ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, और ये देखिए गाइस मेरा पीछे का टेक्सचर चेंज हो रहा है, चेंज हो चुका है टेक्सचर, पूरा बैकग्राउंड पूरा टेक्सचर चेंज हो गया है। ये देखिए गाइस हमारा माइनक्राफ्ट C++ एडिशन में आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है C++ एडिशन, इसका मतलब गाइस जावा एडिशन ही होता है। ये देखिए सारा कुछ वही है गाइस, ये सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं गाइस आप इसे। तो गाइस बस यही थी आज की मेरी वीडियो, आपको पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।